यो भाई लोग, कैसे हो आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना पीएस गेमर्स। तो गाइस, पीएस गेमर्स के नई और ब्रांड न्यू ऑडियंस का स्वागत है। तो आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं जीटीए ऑनलाइन। तो गाइस, आज अपनी वेब सीरीज का डे है 45। तो लास्ट वाली वेब सीरीज में हमने ऑटो शॉप के कॉन्ट्रैक्ट्स मिशन किए थे, और आज मैं सोच रहा हूँ गाइस एक नया कैरो पेरी को हीस्ट कर लेते हैं, जिसको कायो पेरी को कहते हैं, सॉरी। तो चलेंगे हम अपनी पहली कसोटा में और उसका इंटेल मिशन करेंगे, देन उसके छोटे मोटे प्रिपरेशन मिशन करेंगे, और देन फाइनल हीस्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने अपार्टमेंट से थोड़े बाहर। और भाई रे भाई, काफ़ी सूट बूट डाल के अच्छे से बने, तैयार बने हुए हैं। और मैकेनिक को करके मैं अपनी डिलक्सो मंगवा लेता हूँ, तो ताकि हम सीधा कसोटा में जाके उसके ऊपर ही पार कर देंगे उसको। तो गाइस, अगर आपको आज भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी पीएस गेमर्स के चैनल में। तो गाइस, यही है सब कुछ अपना 100 डेज का चैलेंज। तो इसमें हम रैंडम चीज़ें कुछ ना कुछ करते रहते हैं बस पैसा कमाने के लिए। तो भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि ताकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से पैसा आता रहे जीटी ऑनलाइन में। और डिलेक्सो अपनी आ गई है, तो इसका हम होवर बोर्ड मीन्स फ्लाइंग मोड ऑन करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी कसोटा में, मीन्स ड्राइवेबल सबमरीन। तो पहले मैं अपनी सबमरीन भी बुलानी पड़ेगी मुझे अभी। तो ओके गाइस, मैंने अपनी सबमरीन मंगवा ली थी, बिल्कुल सामने ही है, तो उसको मंगवा लेता हूँ। बिल्कुल सामने उस साइड थी, बट उस साइड से मैंने इस साइड को मंगवा ली है, तो अभी बिल्कुल सामने ही आ गई है। और दूसरे साइड, दूसरे मैप के दूसरे एरिया में थी ना, तो मैंने अब यहाँ पर मंगवा लिया, बिकॉज यार यहाँ से ना प्रिपरेशन इंटर करना सारा इजी रहता है अपने सबमरीन में। तो बिल्कुल नीचे ही है अपने, आपको दिखाई दे रही गाइस, पानी के अंदर होगी ना, तभी नहीं दिख रही, एकदम से स्पून होके दिखेगी। बिल्कुल देखो, लिखो बिल्कुल नीचे है। तो भाई, देखने में ऐसे लगता है कि बहुत छोटी सी है, बट नहीं भाई, ये छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी है और काफ़ी बड़ी भी है। मतलब कहने में लगता है देखने में कि बहुत छोटी सी चीज़ है, बट गाइस ये बिल्कुल भी छोटी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लंबी सी है। क्योंकि इसको हमने ना कभी कभी एक बड़ी लेक में लेके गए थे, तो तब पता लगता है कि ये ना ओशन के अंदर छोटी लगती है, तभी तो इसको हम पानी के किनारे में नहीं कभी लेके जाते। क्योंकि जितनी बार भी ये पानी के किनारों में जाएगी ना, उतनी बार ये काफ़ी फंस जाती है ग्राउंड्स में, ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए हम इसको ना यहाँ पर सेफ एंड साउंड इसको पानी से थोड़ा दूर, मतलब ओशन में रखते हैं, डीप ओशन में, कि सीधा नीचे चल जाए यहाँ से। तो यहाँ से चलते हैं हमको अपनी सबमरीन के अंदर। तो गाइस, अपना सामने है अपना ये एरिया। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मिशन है इंटेल, और यहाँ बाकी सारे प्रिपरेशन मिशन है। तो अभी तक हमें अपना मेन टारगेट भी नहीं पता और ना सेकेंडरी टारगेट पता है। तो मेन टारगेट और सेकेंडरी टारगेट हम कायरो पेरिको के आइलैंड में, जो कि एल रूबियो का जो आइलैंड है, वहाँ पर एल रूबियो के आइलैंड में चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं अपना मेन टारगेट और सेकेंडरी टारगेट इस बार क्या होगा। लास्ट टाइम कुछ और था और इस बार चेंज होगा, तो लेट्स सी क्यों कौन सा अपना टारगेट होगा। तो भाई, कायरो पेरी को हीस्ट करके बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि भाई इसमें ना पैसे कम टाइम पे काफ़ी बन जाते हैं। मतलब इसकी प्रिपरेशन अगर बंदा चाहे तो तेज़ी से कर सकता है, और साथ में इसके फाइनल मिशन भी कर सकता है, बस थोड़ा सा प्रो होना चाहिए ओनली। तो भाई ये देखो, पानी के अंदर भाई जल जाती ना, तो फिर पानी के अंदर तबाह जानी थी, बट अगर इसका होवर बोर्ड एक्टिव है ना, तो ये पानी के अंदर नहीं डूबती। और ये सच में है, अगर आप पानी से आप उतर भी जाओगे ना एफ़ दबा के, तब भी ये कार पानी के ऊपर फ्लोट होती रहेगी। ये नहीं है कि इसका होवर बोर्ड ऐसे डीएक्टिवेट हो गया और ये इसको बस चलता जाता है। तो काफ़ी अच्छा सीन है। तो गो टू द ग्रास पे सीड। तो भाई यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ जाते जाते। बाकी तो भाई, लॉस एंटोस रात में तो बड़ा क्यूट सा, बड़ा अच्छा सा लगता है। बाकी अपनी इस थोड़ी सी मैंने नोट किया कैसे थोड़ी कार की ना, डिलक्सो की,
फ्लाइंग चीज़ में थोड़ी स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू आवर स्पैरो। स्पैरो ज़्यादा तेज़ चलता है, बट इस कार का अपना मज़ा है और स्पैरो का अपना मज़ा है, दोनों अपनी जगह अच्छी है। तो भाई बिल्कुल सामने देखो माउंटेन कितना सही लग रहा है। तो बिल्कुल सामने ही हमें को लैंड करना है, तो अपने पास काफ़ी पैसा अभी आ गया थोड़ा सा। अब हम बिल्कुल सामने लैंड करते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ेगी। और यहाँ से एक छोटा सा डोडो जिसको हम छोटा सा प्लेन कहते हैं, वेलम, तो वेलम को यहाँ से हम चोरी कर लेंगे। तो वेलम को यहाँ से हम स्टील करेंगे और देन उसके बाद चलेंगे एल रूबियो के आइलैंड में, और एल रूबियो के आइलैंड में जाके उसका हम स्कोप आउट जो इंटेल मिशन करेंगे। तो भाई बिल्कुल नीचे अपना वेलम है और यहाँ पर देखो गुंडे काफ़ी हैं, यहाँ पर दो तीन ही हैं, ज़्यादा है नहीं। और ये डिटेक्ट कर रही है, देखो भाई गुंडे, तो हम गुंडे गोली मारने भी लग पड़े, इतना ज़्यादा हो गए भाई। देखो मिसाइल देखी भाई कैसे घूमी एकदम से, मज़ा ही आ गया देखकर। कमेंट करो कैसे लगी आपको ये मिसाइल घूमती हुई। बाकी भाई वेलम को हमने नुकसान नहीं पहुँचाना क्योंकि वेलम के साथ ही तो हमने उड़ना है। तो भाई कितने वैसे सही मज़े तरीके से हमने घूमा, मेरे को मज़ा ही आ गया देखकर। तो हम अपना व्हीकल अपना बेच देते हैं वापस ताकि कोई दूसरा बंदा इसको ना करें। ओके द फ्लाई टू द कायरो पेरिको, एल रूबियो आइलैंड का नाम ही है कायरो पेरिको। तो कायरो पेरिको में चलते हैं, इसको फ्लाई करते हैं। और ये भाई थोड़ा सा ना स्लो प्लेन है, ये काफ़ी स्पीड में चलता नहीं है, मतलब काफ़ी ना स्लो 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 सा चलता है, तो टाइम काफ़ी लग जाता है इंटरमिशन में। तो कितना टाइम, तो यही चीज़ खा जाती है, पहले सबमरीन से यहाँ तक आओ। और फिर ये बड़ी बात भाई ये भी है कि ये जो लेक है ना बीच वाली, ये लेक में सबमरीन आती भी नहीं है क्योंकि लेक में आने का रास्ता ही नहीं है सबमरीन का। तो गाइस इसको फ्लाई करते करते हम चलते हैं, अपना टाइम तो लग जाएगा। बाकी भाई रात का मौसम है, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, काफ़ी अच्छा, बाकी तो चलेगा। तो गाइस मैं ड्राइव करते करते देखो लॉस सैंटोस के ऊपर आ गया था और ये अपना फाइनल एरिया आ गया है, जिसके बाद फिर अपने आप ये कायरो पेरिको के अंदर लैंड करा देगा। बस मेरा काम वहाँ से यहाँ तक लाना था यह, और ये अपने आप अब कायरो पेरिको आइलैंड के अंदर लैंड करा देगा। और ये देखो गाइस, ये गाइस ऑटोमेटिक है गेम का, क्योंकि हमें पता ही नहीं, क्योंकि गेम के अंदर कायरो पेरिको की लोकेशन है नहीं। बट ये गेम के अंदर एक चीज़ है, मैं भी सोचता हूँ आज तक कायरो पेरिको भी मैप के अंदर शो होना चाहिए था, बट कभी कराते नहीं है वो शो। और गाइस ये बंदा मेरी सारे वेपन्स भी रख लेगा अभी, तो मेरे पास वेपन भी नहीं कोई रहेगा। तो गाइस सब करते हैं अपना इंटेल, और ये मेरे को यहाँ पर ही छोड़ देगा। तो सबसे पहले हम गाइस अपना मेन टारगेट ढूंढते हैं, सेकेंडरी टारगेट। तो यहाँ पर हमें वीड या कैश कुछ मिल जाएगा, तो पवेल को सबसे पहले उसकी फ़ोटोज़ भेजते हैं और उसके बाद अपना मेन टारगेट देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन सेंटर के ऊपर जाके। तो देखो सामने कैश पड़ा है, तो इस कैश को फ़ोटो भेज के भेज देते हैं पवेल को के सेंड टू पवेल। ओके डन सेंड इट। एंड इस साइड भी है अपना कैश है, इस साइड वीड है, उस साइड कैश है। ओके कैश ही है ना, हाँ कैश भी है गाइस, इस साइड कैश है, तो इसको भी भेज देते हैं। और ऊपर भी अपना टारगेट हो सकता है, तो इसको सबसे पहले पकड़ते हैं और ऊपर चलते हैं ऊपर। इसको यहाँ से इस मशीन को यहाँ से इसके अंदर टक करेंगे, देन थोड़ा सा इसको अप करेंगे, बैक करते हैं और इसको बिल्कुल सामने लगा देते हैं। तो हम भाई जंप करते करते ऊपर चल जाएंगे, बिल्कुल भाई परफेक्टली यहाँ इसमें लग गया है। ओ भाई जल्दी नीचे गिर गया, साइड से नहीं जाना, सीधा से जाना है, अपने को सीधा आना पहले भाई। पहले तो साइड से हम ना जा के गलती कर रहे हैं, अरे भाई सीधा जाना है, अपने को साइड में नहीं जाना, इसलिए गिर रहा हूँ मत बार बार। तो गाइस सामने तो बिल्कुल पैसा भी नहीं है, तो चलो ऊपर आने का फ़ायदा नहीं हुआ,
इस बार ऊपर टारगेट नहीं है, तो नीचे ही स्कैंडर्ड टारगेट थोड़ा ही मिला है इस बार ये हमें। बाकी देखते हैं कहीं और हमें पैसा वूसा मिल जाए। तब चलते हैं कम्युनिकेशन टावर के ऊपर। तो सामने बाइक है, सब बाइक हम उसके स्टील कर लेते हैं सामने और कम्युनिकेशन टावर में चलते हैं। उधर वैसे पैसा नहीं है तो एक और ट्राई मार लेते हैं अगर इधर मिल जाए, क्योंकि इधर भी गाइस कभी कोई पैसा मिल जाता है। हाँ तो ठीक है, इधर पैसा आया तो गाइस इधर इसकी फ़ोटो भेज देते हैं उसको, वेल को। गाइस हम इंटरली उतना मिशन करते हैं जितना हम एक बंदा सोलो चुरा सके। मुझे ना गाइस सबके साथ करके मज़ा नहीं आता, नहीं तो यहाँ पर कैश तो काफ़ी मिल सकता है, ऐसी कोई बात है नहीं। मतलब लोकेशन इतनी ज़्यादा है कायरो पेरिको के अंदर, इतनी ज़्यादा लोकेशन है जहाँ पैसा रखा होता है रूपियों ने। हम सारा चाहें तो स्टील कर सकते हैं, बट चार बंदों के साथ मिशन बहुत टफ हो जाता है। सोलो मोड सही है, हम गार्ड्स को अलर्ट नहीं करते, और 14 से 15 लाख आराम से गाइस मिल जाता है। और यही अगर किसी बंदों के साथ करोगे तब भी आपको उनको कट देना पड़ेगा, तब भी आपके हिस्से में जो आएगा ना वो तब भी 14-15 लाख ही आ गया। तो इससे अच्छा यही है सोलो मिशन करो ओनली और मज़े करो बस। ओके तो गाइस ये पानी में बस जाने ही लगी बाइक, और एक बार चल गई ना फिर आनी इसको बहुत ऊपर हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। तो भाई बच बच के चल गई है। ओके तो अभी ये दरवाजे के अंदर चलते हैं। और बाइक को हम सीधा पानी में रख देते हैं, और क्योंकि गाइस अब हमें थोड़ा तैरना पड़ेगा, क्योंकि अब जो अगर हम रास्ते से जाएंगे तो गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे। तो यही एक वे है वहाँ तक जाने का, तो यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ से लेके दूसरे किनारे तक जाएंगे, वैसे ही हमने ना रास्ते ढूंढे हुए हैं सारे के सारे। अगर बाहर से जाएं ना तो गार्ड थोड़े से हमें ना पकड़ लेते हैं। वैसे मैं तैरता तैरता यहाँ तक आ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया मुझे। अब बिल्कुल गाइस सीधा ही है कम्युनिकेशन टावर, बस थोड़ा सा एक दो गार्ड्स के साथ बच के हमने वो टावर तक पहुंचना है। एक बारी बस वो हमने देख लिया कि हमारा मेन टारगेट क्या है, और हम यहाँ से कायरो पेरिको से निकल जाएंगे। तो एक बंदा इधर आ रहा है, बट मैं भागता रहता हूँ जल्दी, उसके एरिया में नहीं आना, उसके रडार में बिल्कुल भी नहीं आना। तो ओके 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 गाइस बच गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल पास फेस पास से बचा हूँ मैं, और बिल्कुल अपने सामने ही है टावर। एक बस वो सामने जो आप देख रहे हो टावर, यहाँ तक जाना है हमने। बाकी भाई इतना ही देखो गार्डन वूडन, इतना जब इतना बड़ा टाइल आइलैंड है इस बंदे का, इससे हम थोड़ा सा पैसा चुरा भी लेंगे, इसको फ़र्क पड़ता नहीं है, तभी हम इसको बार बार लूटने आ जाते हैं। बाकी गाइस आपको पता है GTA ऑनलाइन में कायरो पेरिको हीस्ट सबसे ईजीएस्ट वे है मनी अर्न करने का। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जैसे मर्जी करके इधर उधर से पैसे कमा के एक आपको सबमरीन जरूर खरीदनी चाहिए, जिससे आपको कायरो पेरिको हीस्ट की अलाउंस मिल जाए, मतलब जिससे आपकी हीस्ट खुल जाए। जैसे गाइस आपको आर्किड खेलना पड़ता है डायमंड का सीन हीस्ट करने के लिए, और कायरो के लिए आपको सबमरीन खरीदनी पड़ेगी पहले, नहीं तो उसके बगैर आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो गाइस इस बार सिग्नल बॉक्स नीचे ही है, नहीं तो अक्सर ऊपर होता है, कभी हमें ऊपर जाना पड़ता है कभी नीचे, तो इस बार नीचे ही है, तो नीचे वाला ही हैक कर लेते हैं। और ये हैकिंग गाइस सबसे इजी है, तो काफ़ी इजी रहती है वाली हैकिंग। 97 हो गया और 97 106, तो बूढ़ा हो गया बिल्कुल। तो ओके गाइस हम अब अपना देखते हैं इसके कैमरे के अंदर, बस एक बार ये सर्च कर लें। तो गाइस इधर तो अपना लैपटॉप है, तो यहाँ पर नहीं हमें जाना, हमने एक्सल वाला कैमरा स्विच मारते हैं। ये पैंथर वाला कैमरा था, ओके तो ये भी पैंथर का केज का कैमरा है, और ओके कंपाउंड का कैमरा है,
तो गाइस ये अपना मेन टारगेट, और गाइस इस बार रूबी नेकलेस निकला है अपना। तो भाई रूबी नेकलेस निकला है, तो रूबी नेकलेस अपना मेन टारगेट रहा है, और यहाँ पे भी कैश काफ़ी है। तो और यहाँ पे कुछ है कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी। और इसके अंदर भी भाई पेंटिंग्स हैं, तो पेंटिंग्स गाइस अपना मिल गया, इंडिया ऑफ इंटरेस्ट सही मिल गया हमें। तो इधर भी और कुछ है नहीं काफ़ी। तो गाइस मेन मेन अपना हो गया, पेंटिंग मिल गई और अपना दो सेकेंडरी टारगेट और मिल गए, एक अपना मेन टारगेट हो गया। तो अब इसके कार पकड़ते हैं और गार्ड के सामने चल जाते हैं, गार्ड अपने आप ही हमें एयर स्ट्रिप में छोड़ देगा और अपना प्लेन पकड़ के चलते हैं वापस। गाइस अपना काम इतना ही था, हमने इंटेल मिशन तो आज कर लिया कायरो पेरिको का, अब इसके फर्दर हम करेंगे प्रिपरेशन मिशन, तो उसकी वीडियोस भी आती रहेंगी, और देन फाइनल मिशन। तो ऐसे गाइस चलते करते अपने 100 डेज की सीरीज ख़त्म हो गई। तो गाइस इस बार फर्स्ट ट्राई होगा कि हमने पीएस गेमर ने कोई चैलेंज आपको दिया है, और हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर रहे हैं अपना चैलेंज को 100 डेज ऑफ GTA ऑनलाइन। तो गाइस चैलेंज में तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे भी, और आपको भी आई होप मज़ा आ रहा हो। तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो प्लीज़। और इसने हमें एयर स्ट्रिप में छोड़ दिया बंदे ने, और भाई रे भाई थोड़ी एक्टिंग तो करनी पड़ती है ना, रे भाई को पता भी हम एयर स्ट्रिप में खुद आए हैं। तो कंटिन्यू स्कोपिंग द आइलैंड और रिटर्न टू द लॉस सैंटोस। गाइस अपना मेन और सेकेंडरी टारगेट अपना हो गया है, तो हम लॉस सैंटोस वापस चलते हैं इसी को प्लेन को लेके। बाकी पता नहीं भाई इतना एल रूबियो का इतना बड़ा कंपाउंड है यहाँ पर, इसने कोई बड़े से अच्छे से प्लेन रख भी नहीं रखे हैं, छोटा मोटा वेलम वूलम रख के छोड़ देता। तो गाइस अपना यहाँ काम हो गया, अब आ गए लॉस सैंटोस में। तो अभी लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम एंट्री होने लगे हैं। तो भाई लॉस सैंटोस में तो भाई यहाँ बारिश हो रही है, तो वहाँ पर तो भाई पूरा सनी वेदर था, बट यहाँ पर बिल्कुल बारिश का माहौल बना हुआ है भाई, काफ़ी विंड काफ़ी सही चल रहा है। तो इंटर कंप्लीट हो गया, सिक्योरिटी गैदर इंटर ऑन द कायरो पेरिको, तो अपना मिशन हो गया। तो ऐसे गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।